कोरोना महामारी के चलते मार्च माह से बंद पड़े प्रदेश के शक्तिपीठ पर धार्मिक स्थलों का खुलने का समय आ गया है। जी हां, धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय व भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल द्वारा SOP जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए समय समय पर सैनिटाइजेशन के आदेशों के साथ धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। वहीं SOP जारी होने के बाद बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल की अध्यक्षता में शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर, बाबा बालकनाथ मंदिर व ऐतिहासिक मार्कंडेय मंदिर न्यास के पदाधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं पर चर्चा की है। वहीं उपायुक्त राजेश्वर गोयल का कहना है कि तीनों की मुख्य मंदिरों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर में प्रसाद चरणामृत वितरण, मूर्ति को छूने, सराय में रुकने सहित मंदिर परिसर में मुंडन, भजन, शादी समारोह, सरोवर में नहाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कही है। वहीं उपायुक्त बिलासपुर ने मंदिर में आने वाले हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट व कोविड ई पास लाने की बात कही, तो साथ ही बीमार व बुजुर्ग लोगों, गर्भवती महिलाओं सहित 10 साल से कम बच्चों को मंदिर में लाने से परहेज करने की भी अपील की है। और इस दौरान में इन मंदिरों में सुबह से लेकर शाम तक जो है हमने ये निर्णय लिया है कि खुले रहेंगे, रात्रि ठहरा वहाँ पर एडमिसिबल नहीं होगा, प्रसाद वितरण नहीं होगा, चरणामृत का वितरण नहीं होगा, हम मूर्ति को छू नहीं पाएंगे और हमारा जो अगर सरोवर है, कोई कुंड है, वहाँ पर स्नान वर्जित रहेंगे, शादी का समारोह वहाँ नहीं हो पाएगा, बड़े कॉन्ग्रीगेशन इकट्ठे वहाँ अलाउड नहीं होंगे, साथ में मुंडन संस्कार नहीं होंगे टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो इस पे इसके ऊपर भी एक हमारा जो है विशेष आग्रह है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं या जिन्हें गंभीर रूप से बीमारियां हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या 10 वर्ष से कम के बच्चे हैं कि वो अभी अवॉइड करें, क्योंकि जब तक संक्रमण का जो खतरा है उसमें आशंका बनी रहती है। और यदि कोई इस प्रकार के जैसे कोमॉर्बिडिटी या बुजुर्ग आते हैं तो कतार में खड़े होना उन्हें इजाज़त नहीं होगी और वो रिलीजियस प्लेस में भी एंटर नहीं करेंगे। और रात्रि ठहराव जो है अभी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, भंडारा का भी अभी आयोजन नहीं किया जाएगा, प्रसाद वितरण जैसे मैंने जिक्र किया वो भी नहीं होगा। खासकर बिलासपुर ज़िला में हमारे 3 मंदिर न्यास भी हैं, श्री नैना देवी जी, शाहतलाई श्री बाबा बालकनाथ टेम्पल और हमारा जो लक्ष्मी नारायण और मार्कंडेय टेम्पल, जो मंदिरों का समूह है बिलासपुर सदर में, तीनों हमारे मंदिर न्यासों में जो हमारे वहाँ के अध्यक्ष हैं, आज उनके साथ बैठक की गई सभी संबंधित विभागों के साथ, चाहे वो पुलिस विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, लैंग्वेज आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट है, आज इसमें हमने एक विस्तृत चर्चा करके और एक जो पूरे जितने भी व्यवस्था की जानी है उसकी समीक्षा।